हेलो सर, सिंगल अमित शाह कॉलिंग शाह। बुआ बबुआ के गठबंधन का डर यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पानीपत की तीसरी लड़ाई की याद आ गई और जब आपको इतिहास का दामन थामना पड़ता है तो मामला गड़बड़ है। आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा और न्यूज चक्र में आज क्या है खास। बुआ बबुआ के गठबंधन से बौखलाई गोदी मीडिया, अमित शाह को याद आई पानीपत की तीसरी लड़ाई और आतताई हमलावर अहमद शाह अब्दाली की। डराना, धमकाना और भड़काना, जब ये तीन औजार बन जाएं किसी सियासी पार्टी के तो जाहिर सी बात है कि सोच में कुछ गड़बड़ है। और जब मीडिया का इस्तेमाल किया जाए डराने, धमकाने और भड़काने के लिए तो यानी कि एक बहुत जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। दोस्तों हो क्या रहा है, हो यह रहा है कि जब से मायावती और अखिलेश साथ आए हैं मीडिया के अंदर जिस तरह का प्रपंच चल रहा है उस पर गौर कीजिए। मीडिया कह रहा है कि मोदी के डर से बुआ और बबुआ साथ आ गए, एक तरफ मोदी दूसरी तरफ तमाम लोग, यानी कि मोदी वर्सेस रेस्ट। न्यूज चक्र में हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आज इसका पर्दाफाश करने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये मोदी वर्सेस रेस्ट नहीं है, यानी कि मोदी एक तरफ और दूसरी तरफ तमाम लोग, ये मुकाबला है गठबंधन बनाम गठबंधन। एक एक राज्य का हाल मैं आपके सामने लाने वाला हूं और इस थ्योरी का पर्दाफाश हम करने वाले हैं। शुरुआत हम करते हैं बिहार से। बिहार में मुकाबला क्या है दोस्तों, एक तरफ है बीजेपी नीतीश और रामविलास पासवान, तो दूसरी तरफ कौन है, नौसिखिए तेजस्वी यादव, कांग्रेस जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। तो बताइए मित्रों, यहां पे कहां से हुआ मोदी वर्सेस रेस्ट, यहां तो गठबंधन बनाम गठबंधन है ना। चलिए बिहार के बाद अब रुक करते हैं हम पंजाब की। पंजाब में कितनी सीटें हैं, पंजाब में कुल 13 सीटें हैं। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ अकाली दल और बीजेपी है और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी। यहां पर तो कांग्रेस अकेली पड़ गई है, तो कैसे हुआ ये मोदी वर्सेस द रेस्ट। अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की। कुल 80 सीटें, एक तरफ मोदी और दो छोटे छोटे दल, एक तरफ है समाजवादी पार्टी बसपा और आरएलडी और तीसरी तरफ है कांग्रेस जो तमाम 80 सीट्स लड़ने वाली है। यहां पर भी कांग्रेस अकेली पड़ गई, तो कैसे हुआ ये मोदी वर्सेस द रेस्ट। अब हम रुक करते हैं पश्चिम बंगाल की। 42 सीटें हैं दोस्तों यहां पर, एक तरफ ममता बनर्जी हैं, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ लेफ्ट है और चौथा कोण है बीजेपी का। तो ये कैसे हो गया मोदी वर्सेस द रेस्ट, यहां तो चार मोर्चे दिखाई दे रहे हैं। अब हम रुक करते हैं महाराष्ट्र का दोस्तों। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें, एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी और दूसरी तरफ शिवसेना और बीजेपी। मैं जानता हूं कि शिवसेना और बीजेपी में तनाव चल रहा है मगर अभी भी महाराष्ट्र विधानसभा में दोनों पार्टियां साथ हैं, लिहाजा यहां पर भी मोदी वर्सेस द रेस्ट नहीं है। अब हम रुक करना चाहेंगे इन राज्यों का। आपके सामने है मध्य प्रदेश की 29 सीटें, राजस्थान की 25 सीटें, गुजरात की 26 सीटें, राजस्थान की 25 सीटें। इन तमाम राज्यों में इट इज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, यानी कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। यहां पर भी मोदी वर्सेस रेस्ट नहीं है। अब हम रुक करते हैं केरल का दोस्तों। केरल में कुल 20 सीटें हैं, यहां पर मुकाबला तीन गठबंधनों में है, एक तरफ लेफ्ट का गठबंधन, दूसरी तरफ कांग्रेस का गठबंधन और तीसरी तरफ बीजेपी। ऐसे में कहां हुआ बीजेपी वर्सेस द रेस्ट। तो मैंने आपको एक छोटी सी झलक दी, मीडिया के उस झूठ को एक्सपोज किया कि ये मोदी बनाम अन्य है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और जानते हैं दोस्तों सबसे दुखद बात क्या है, सबसे दुखद बात यहां पर ये है कि किस तरह से मीडिया का एक धड़ा इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल करना जा रहा है। आप देखिए इस स्क्रीनशॉट को, यहां पर आप देख सकते हैं कि देश का एक लोकप्रिय चैनल किस तरह से यह कह रहा है कि मुसलमान जो है वो सपा और बसपा के साथ खड़ा है। इसका मतलब एक ही हो सकता है दोस्तों, कि चुनाव को एक बार फिर हिंदू बनाम मुस्लिम कर दिया जाए।
क्या जरूरत थी इस रिपोर्ट की, मगर इस रिपोर्ट का किया जाना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी तो बौखला ही गई है, गोदी मीडिया भी किस तरह से इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है और भड़काने का काम कर रहा है। और जब डर लग जाए तो उसी से उभर कर आती है हमारी आज की ये दूसरी पेशकश। बुआ बबुआ का डर जानने के लिए आपको हमारी इस दूसरी पेशकश पर बहुत बारीकी से निगाह रखनी होगी। साल था 1761, पानीपत की तीसरी लड़ाई। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली तो दूसरी तरफ मराठाओं के सदाशिव राव भाऊ। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली की 1,00,000 की सेना और दूसरी तरफ मराठाओं के 40,000 वीर। मराठा खूब लड़े, बहादुरी से लड़े, मगर आखिरकार पानीपत की तीसरी लड़ाई हार गए। मगर क्या आप जानते हैं पानीपत की इस तीसरी लड़ाई का इस्तेमाल बीजेपी अध्यक्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साल 2019 का जो लड़ाई है, लोकसभा के चुनाव जो हैं, वो एक युद्ध है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मराठा 1761 की लड़ाई हारे थे, अगर बीजेपी ये लड़ाई हार गई तो हम फिर गुलाम बन जाएंगे। पहले तो सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली और सदाशिव भाऊ के बीच में लड़ाई हुई। दुर्भाग्य से पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा सैन्य हार गया। परिणाम क्या हुआ? सिर्फ एक युद्ध नहीं आ रहे, 131 युद्ध जीतने वाली मराठा सेना एक युद्ध हार गई, देश 200 साल तक गुलामी की खप्पर में धस गया। यानी कि बुआ बबुआ का डर इस कदर है कि अब गुलामी के सपने दिखाने लगे अमित शाह। अमित जी, मैं आपको बताता हूं गुलामी क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं सीबीआई की। सीबीआई कहने को एक तोता, मगर जब इसके एक फॉर्मर अध्यक्ष आलोक वर्मा ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के सबसे हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट भास्कर कुलबे के मुद्दे पर जांच करने की कोशिश की, कोल स्कैम में उसकी जांच करने की कोशिश की, यही नहीं जब उन्होंने रफाल में दिलचस्पी दिखाई, तथा कथित रफाल घोटाले में, तब उनके बाहर जाने का रास्ता तय हो गया। जी हां, यह होती है गुलाम सीबीआई, क्योंकि उसमें से अगर कोई आपकी गुलामी स्वीकार ना करे तो उसका यह हाल कर दिया जाता है। सीबीआई के बाद अब दूसरी संस्था की बात करते हैं, सीवीसी की। सीवीसी के अध्यक्ष हैं केवी चौधरी। केवी चौधरी कौन दोस्तों? ये वो हैं, जब ये आलोक वर्मा का मामला चल रहा था तब केवी चौधरी जाते हैं आलोक वर्मा के घर, उनसे कहते हैं कि आपने सीबीआई के नंबर 2 राकेश अस्थाना पर जो कमेंट किए हैं, एडवर्स कमेंट्स किए हैं, उससे आप वापस ले लीजिए। आलोक वर्मा ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। नतीजा, देर रात तख्ता पलट में आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया जाता है। तो ये हालत हो गई है सीवीसी की मोदी सरकार के अंतर्गत। क्या आप इसे गुलामी कहेंगे मित्रों? नहीं कहेंगे आप इसे गुलामी। अब बात करते हैं मीडिया की। जी हां, जिस दिन आलोक वर्मा को ट्रांसफर किया गया, सेलेक्ट कमेटी ने जब इनका ट्रांसफर किया, उसी के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज की यह खबर देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर यह लिखा गया है कि किस तरह से विजय माल्या को भागने में मदद की थी किसने? आलोक वर्मा ने। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, विजय माल्या भागे थे 2 मार्च 2016 को, और आलोक वर्मा बने थे सीबीआई प्रमुख। कब बने थे? जनवरी 2017 को। तो मेरी एक गुजारिश है टाइम्स ऑफ इंडिया से, क्या आलोक वर्मा के पास एक टाइम मशीन थी जिसके जरिए वो 2017 से 2016 में आए और उन्होंने विजय माल्या को भगाने की कोशिश की, क्योंकि वो तो सीबीआई के अध्यक्ष थे ही नहीं तब। जी हां, मीडिया की गुलामी का ये आलम है दोस्तों कि बाकायदा प्रधानमंत्री के पक्ष में विपक्ष के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। जो लोग सरकार से सवाल करते हैं उनके खिलाफ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? अफजल प्रेमी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, और न जाने कितने गैंग्स, और बाकायदा एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। तो आप बताइए मुझे गुलाम कौन हुआ?
बुआ बबुआ का डर यहां पर खत्म नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि 2 जनवरी 2019 में मोदी सरकार अखिलेश यादव को हैप्पी न्यू ईयर पहले ही कर चुकी है। हम आपको बता दें, खनिज घोटाले में चार्जशीट बाकायदा अखिलेश यादव के खिलाफ दर्ज की गई, और इस FIR में किन किन लोगों के नाम है इस पर गौर कीजिएगा। इसमें DM चंद्रकला का नाम है, दूसरा शख्स जिसका नाम है वो है वहां के जियोलॉजिकल साइंटिस्ट, वहां के भू वैज्ञानिक, तीसरा वहां के खनन लिपिक, उसके बाद विभागीय मंत्री यानी कि अखिलेश यादव, क्योंकि उस वक्त जो पूरा का पूरा चार्ज उनके अंतर्गत था। मगर हम क्यों कह रहे हैं कि बुआ बबुआ के गठबंधन से डर कर यह चार्जशीट दाखिल की गई है, क्योंकि किन लोगों के नाम FIR में दर्ज नहीं है उस पर गौर कीजिए। सबसे पहले, जिस माइनिंग ऑफिसर ने एक ही परिवार के नजदीकी लोगों को 13 इलाकों के खनन पट्टे दिए थे, उस माइनिंग ऑफिसर का नाम ही नहीं है इस FIR में। इसके अलावा जिस विशेष सचिव, प्रमुख सचिव ने मामले को आगे बढ़ाया था, उसका नाम भी नहीं है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अखिलेश यादव के जो IAS सचिव थे, जिन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूर किया, उनका नाम भी FIR में नहीं है। तो बताइए मित्रों, ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा तारीखों के इस खेल की ओर। गौर कीजिए इस तारीख पर, तारीख है 28 जुलाई 2016। ये वो तारीख है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए थे। नतीजा क्या होता है? उस वक्त की अखिलेश यादव सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास किस लिए जाती है? इस आदेश को जो है, जांच के आदेश को बंद किया जाए। मगर ऐसा होता नहीं है। अदालत के आदेश पर CBI की एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज कर देती है। अब 2017 यानी कि एक साल बाद कौशाम्बी में पहला मामला दर्ज होता है, और उसके कुछ महीनों बाद शामली में दूसरा मामला दर्ज होता है। मगर अब यहां पे एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। लंबे अरसे तक खामोशी छा जाती है, यानी कि इस मामले में कुछ नहीं होता है। फिर अचानक इस बात की सुगबुगाहट होती है मीडिया में कि अखिलेश यादव और मायावती एक साथ आने वाले हैं। और फिर क्या होता है, जैसी ये बात तय हो जाती है कि फलाना तारीख को अखिलेश और मायावती साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, साथ बैठ के गठबंधन की का ऐलान करने वाले हैं, तब 2 जनवरी 2019 को अखिलेश यादव के खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। तो अब आप मुझे बताइए, ये गठबंधन का डर नहीं है तो आखिर क्या है? देखिए, जो मुद्दा आज हम न्यूज चक्र में उठाने की कोशिश कर रहे थे वो सिर्फ ये, सियासत में गठबंधन होते हैं, और गठबंधन इसलिए होते हैं क्योंकि सब अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर गौर करते हैं। मगर ये मत कहिए कि मोदी के डर से सब लोग गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमने साबित कर दिया अपनी इस पेशकश में, ये मोदी वर्सेस द रेस्ट नहीं है। और जब इतिहास का सहारा लेना पड़े, इतिहास में जो अत्याचारी हैं उनका सहारा लेना पड़े देश के ताकतवर लोगों को, तब आप समझ सकते हैं कि डर किसके अंदर है। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब कोई सियासी दल डराने, धमकाने और भड़काने जैसे हथियारों का इस्तेमाल करने लगे ना, तो समझ जाओ कि उसकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। सियासत में आपको पूरा अख्तियार है कि आप किसी भी तरह के औजारों का इस्तेमाल करें, मगर समाज के अंदर अराजकता ना फैलाएं। यही संदेश हम न्यूज चक्र में अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं। तो न्यूज चक्र में बस इतना ही, और हर बार जो हमारा वादा रहता है आपसे कि सत्ता के पीछे जो लोग कठपुतलियों की तरह जनता को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, मीडिया को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, हम उनके खेल का पर्दाफाश करते हैं। और आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमारी इस पेशकश को लाइक और शेयर करें, और न्यूज क्लिक के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।